मेरे चैनल किरण्स खाना खजाना में आपका स्वागत है। देखिए कैसे चमत्कारी तरीके से खरबूजे के बीज छीले जा सकते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, किरण्स खाना खजाना में आपका स्वागत। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे ढेर सारे खरबूजे के बीज आप मिनटों में इनका जो है ना उनको यूज कर सकते हैं, कैसे इनके छिलके हटा सकते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई गर्म करके रखी है, इसमें मैंने ये बीज डाल दिए हैं। इनको धीरे धीरे चलाते रहना है। आज मैं लड्डू बनाने जा रही हूँ, इसमें मैं इनका उपयोग करूंगी। ऐसे चला चला के आप बनते रहे धीरे धीरे। इसी तरह से यहाँ इतने मैंने ये भूज के रखे हैं, ये ठंडे हो रहे हैं। इनको अभी मिक्सर में डाल के आपको बीज इसके निकाल के दिखाऊंगी। ये कैसे धीरे धीरे चुटपुट आवाज कर रहे हैं। देखिए चटपट हो रहे हैं। गैस मैंने थोड़ी तेज कर दी है अभी, इसे जल्दी भून जाए। ये जो मैंने पहले से भून के रखे ठंडे हो गए हैं थोड़े, इनको मैंने मिक्सर जार में रख लिया है, इनको भी पीसूंगी। और ये वाली ये थाली में निकाल लेने हैं जिसे ठंडे हो जाए। अभी इसमें ठंडे होंगे तब तक ये मिक्सर जार में उनको पीस लेती हूँ। ये मैंने पीस लिया, अब इस छलनी से इनको छानना है। ये देखो पीस गए हैं मिक्सर जार में, हल्का सा चलाना पड़ता है, इनका छिलका अलग हो जाएगा। ये आपको पाउडर फॉर्म में मिलेगा, साबुत बीज नहीं निकलेगा। अभी देखिए सारे छिलके ये ऊपर रह गए हैं। ये सिर्फ इसका छिलका बचा है। अभी बचे हुए भी छान लेते हैं। इस तरह से घर में जब आप लड्डू बनाएं या और कोई मिठाई बनाएं तो 5 मिनट में खरबूजे के बीज आप इनकी मिगी निकाल सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। ये देखिए केवल छिलका बचा है इसमें, ये सारे बीज है उसका ये आ गया है मेरी थाली में। इसको हम लड्डू में डाल देंगे, भुन भी चुका है ये बीज। तो आपने देखा फ्रेंड्स कितना आसान है खरबूजे के बीज उनकी जो मिगी है उसको निकाल के यूज करने। मैं लड्डू बनाने जा रही हूँ। देखिए मैंने इसमें डाल दिए हैं, इसमें सारे और मेवे मैंने डाल के रखे हैं, खाना वगैरह पीस लिया भूनने के बाद। इसी तरह से खरबूजे की मिगी इसमें भी हो गई है। आगे से आप खरबूजे के बीज इसी तरह से भून कर फिर इसमें मिक्सी में जार में पलट के एक दो बार चलाएं, इनका तुरंत मिगी अलग हो जाता है, छिलके रह जाते हैं। बाद में छान लें, उपयोग करें।
कृपया हमारी वीडियो को देखते रहें, चैनल सब्सक्राइब करें और इसको वीडियो को लाइक करें तथा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।